प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास सेवन की हिंदी की बुक दुर्वा का पहला पाठ चिड़िया और चुरुंगुन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये एक कविता है, इस कविता को हम पढ़ेंगे। कविता में एक चिड़िया है और उसका बच्चा चूजा, जिसका नाम है चुरुंगुन। तो बच्चों, इसका हम भावार्थ जानेंगे, अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो बच्चों, ये कविता है, इसको आपको लय में बोलना होता है। अब इसका हम भावार्थ जानेंगे, इसका क्या अर्थ है। चिड़िया का बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इस कविता में कवि ने किसी चिड़िया के चूजे, चिड़िया के बच्चे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सब बहुत कुछ जानने की इच्छा होती रहती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होती रहती है। अब चूजा क्या जानना चाहता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। नन्ना चूजा जल्दी से उड़ना चाहता है। देखिए आप कविता में पढ़िए, जब चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर आता है तब वो अपनी माँ से ये बात कहता है, ठीक है। तो वो जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके विषय में जान सके। उस चूजे का नाम है चुरुंगुन। चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियाँ और पत्तों को देखता है। तो बच्चों देखिए, डालने तो आपको पता ही है, डालियाँ, पात का मतलब होता है पत्ते। पत्तों को देखता है, जब पत्ते सरसराते हैं, पत्ते हिलते हैं, हवा से हिलते हैं, तो उसे लगता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही हवा चलती है पत्ते खड़खड़ करते हैं, तो चूजे को क्या लगता है कि वो पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसने उड़ना सीख लिया है। लेकिन जो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ कहती है, नहीं, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओगे तब तुम उड़ना सीखोगे। तो इस कवि, इन पंक्तियों का भावार्थ हमने जान लिया। तो सबसे पहले आपको कवि का नाम जरूर लिखना है। आगे है बच्चों, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो बच्चों, इसमें चुरुंगुन अपनी माँ से क्या कहता है और माँ उसको क्या कहती है बदले में, तो इसका अर्थ है, चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों और कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है। जब वह फिर अपनी माँ से पूछता है क्या उसे उड़ना आ गया है, तो माँ उसकी कहती है कि वह केवल उसका भ्रम है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब आगे क्या होता है बच्चों, जैसे ही वो उसकी अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में चुरुंगुन कुछ फलों को खाता है, बाहर आता है तो क्या खाता है, फल खाता है। कुछ तो खा लेता है, कुछ को नीचे गिरा देता है। इस तरह से उसे कच्चे और पक्के फलों की पहचान होती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। अब बच्चे होते हैं, बच्चों के दोस्त होते हैं, तो उसको भी क्या लगता है कि उसके दोस्त है उसका रास्ता देख रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अपनी माँ से फिर वही सवाल दोहराता है तो फिर उसे वही जवाब मिलता है कि अभी उसे उड़ने में देरी है, अभी वो छोटा है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कहीं कोई पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब तरु मतलब पेड़ होता है, तो इसका भावार्थ है, अब चुरुंगुन थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है। कभी कभी वह धरती पर दाना भी चुग लाता है, लेकिन अभी भी उसकी माँ कहती है उसे अभी ठीक से उड़ना नहीं आया है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ जा पर मार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया।
बच्चे फिर माँ क्या कहती है चुरुंगुन को, अब चुरुंगुन को ऐसा लगता है कि नीला आसमान उसे लगातार पुकार है, मतलब अब वो बड़ा हो गया तो उसको उड़ना आ रहा है। आपको पता ही है कि पक्षी आसमान की तरफ उड़ते हैं, तो उसको लगता है कि नीला आसमान है उसे बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ, उसे लगता है कि उसके अंदर से कोई शक्ति कह रही है जोर लगा के उड़ जा, और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जा। अब आपको पता है छोटा बच्चा जब चलने लगता है तो स्टार्टिंग में गिरता है, लेकिन जब जैसे उसको चलना आता है तो उसका मन करता है कि वो चलता ही जाए चलता ही जाए। इस तरह से इस बात जब अपनी माँ से पूछता है क्या उसे उड़ना आ गया है, तो माँ का जवाब अलग होता है। हर बार माँ क्या कहती है, नहीं तुझे भ्रम हुआ है, नहीं तुझे भ्रम हुआ है। लेकिन अब माँ कहती है जब बच्चा बड़ा आ गया तो माँ का जवाब अलग है। माँ क्या कहती है, माँ कहती है हाँ उसके शरीर में ताकत आ चुकी है और उसके डैने यानी जो पंख है वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है, अब वो उड़ सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपकी क्लास की हिंदी की बुक दुर्वा का पहला पाठ चिड़िया और चुरुंगुन, इसकी बच्चों कविता की व्याख्या हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।